नमस्कार दोस्तों, आज जो प्रॉपर्टी हम आपको दिखाने वाले हैं वो एक 108 वर्ग गज में बना हुआ शानदार सी कोठी होने वाली है, जो कि लोकेटेड है मुरलीपुरा स्कीम के अंदर, जयपुर शहर के अंदर लोकेटेड है। मेन अगर मैं दिल्ली अजमेर बाईपास की बात करूँ तो मात्र और मात्र 20 मीटर की दूरी पर लोकेटेड है। ईस्ट फेसिंग ये प्रॉपर्टी होने वाली है, शानदार लोकेशन है और शानदार चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। क्या कुछ होने वाला है कंप्लीट हम इसका टूर करेंगे, लेकिन देखिए चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका सपोर्ट हमेशा ही हमें चाहिए होता है। तो अभी हम इसका फ्रंट एलिवेशन देख लेते हैं, फिर वहीं से शुरुआत करेंगे इसकी कि कैसे क्या कुछ ये प्रॉपर्टी होने वाली है और इसमें क्या क्या आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आइए एक बार फ्रंट एलिवेशन से शुरू करते हैं। तो फ्रंट, अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का जो फ्रंट एलिवेशन होने वाला है कैसा कुछ होने वाला है। दिखाइए एक बार कैमरामैन जी, क्या खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन यहाँ पे डिज़ाइन करके दिया गया है। पूरा ही कंप्लीट बालकनी का स्पेस बाहर की तरफ बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे स्पेस यहाँ पे निकाल के दिया गया। अभी जैसे मैं बताया आपको, मैंने टूर करवाने वाला हूँ 108 वर्ग गज के शानदार से बनी हुई कोठी का। तो देखिए जो मेन डोर है वो कुछ इस तरीके से कंप्लीट ही ओपन होने वाला गेट यहाँ पे रखा गया है। इसमें यहाँ पे ग्लास लगा के प्यारी सी वुडन स्टैक डिज़ाइन बना के काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको यहाँ पे बनाया गया है। काफ़ी हेवी ये गेट यहाँ पे होने वाला है। दोनों ही तरफ देखेंगे तो लैंप्स यहाँ पे लगा के दिए गए हैं, जो कि शाम के टाइम पे यहाँ की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा ही बढ़ाने वाला है। हम लोग जो इसे एंटर करेंगे, ये आ जाता है पार्किंग का स्पेस। पार्किंग के स्पेस की बात करूँ तो इजीली आपकी गाड़ी सेडान गाड़ी आराम से बड़ी गाड़ी इजीली आप यहाँ पे पार्क कर पाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए छोटा मोटा ग्रीनरी लगा के इसको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन करके दिया गया है। बाहर की तरफ ही आपको यहाँ पे सूर्यक वगैरह मिल जाती है, जिससे कि जूते वगैरह आप यहीं पर रख सकते हैं। और इस तरफ आपको जो है मीटर बॉक्स मिल जाता है, इसमें इजीली आप इसको मीटर बॉक्स में स्टोर कर पाएंगे। मेन जो एंट्रेंस है कुछ इस तरीके से प्यारी सी मेन एंट्रेंस आपको मिलती है। बाहर की तरफ बड़ा सा गिलास के साथ यहाँ पे ग्रिल लगा के दी गई है। और डोर्स की बात करूँ तो बाहर एक मजबूत आपको जाली वाला एक गेट मिलने वाला है, क्योंकि कुछ इस तरीके से डिज़ाइन के साथ यहाँ पे दिया गया है। फिर बात करें मेन डोर की, तो मेन डोर भी काफ़ी हेवी और काफ़ी मजबूत कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन के साथ आपको बना के मिलने वाला है। देखिए ये आ जाता है एक गेस्ट जब आपके आए तो कहाँ बैठे हैं, उस हिसाब से एक जगह यहाँ पे तैयार की गई है कि बाहर के बाहर सेपरेटली आप उनको यहाँ पे बिठा पाएंगे। सोफे के डिज़ाइन वगैरह देखिए, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पे करके दी गई है। और इस वॉल पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए प्यारा सा एक वुडन का पूरा ही पूरा थीम तैयार करके यहाँ पे दिया गया है। एसी फिटिंग यहाँ पे प्रॉपर आपको मिल जाती है। ऊपर की तरफ देखते हैं सीलिंग, तो फैन और फॉल सीलिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन करके दी गई है। अब थोड़ा सा एंटर करते हैं अंदर की तरफ, तो यहाँ पे ड्राइंग एरिया का स्पेस आपको मिल जाता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे सोफ़ा वगैरह लगा के शानदार डिज़ाइन इसके यहाँ पे तैयार की गई है। कंप्लीट ही आपको लगभग 7 to 8 सीटर सोफ़ा है। प्यारी सी टेबल यहाँ पे आपको बना के दी गई है। और इस वॉल पे देखते हैं तो यहाँ पे लैंप्स के साथ वॉलपेपर का काम करके बहुत ही प्यारी थीम यहाँ पे डिज़ाइन करके दी गई है। फॉल सीलिंग की डिज़ाइन दिखा दीजिए, देखिए झूमर कितना प्यारा झूमर यहाँ पे लगा के दिया गया है। और कंप्लीट यहाँ पे दो फैंस आपको जो है ड्राइंग एरिया में मिल जाते हैं। ड्राइंग प्लस डाइनिंग आप इसको कर सकते हैं। इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है फिर टीवी पैनल का स्पेस, जो कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको यहाँ बनाया गया और काफ़ी स्पेसियस है। बड़े से बड़े टीवी आप इजीली यहाँ पे इंस्टॉल कर पाएंगे। और स्टेयर्स के नीचे की बात करें तो कंप्लीट इसको भी यहाँ पे यूज़ किया गया है, कुछ डिज़ाइनर चीज़ें यहाँ पे लगाई दी गई है। और नीचे की तरफ कुछ रैक्स बनाई गई, इसमें आप अपना सामान ईजिली यहाँ पे रख पाएंगे। यहाँ पे भी आपको जो है स्पेस दिया गया है, इसमें क्रॉकरी वगैरह का कुछ सामान अगर रखना चाहें आप तो वो आप ईजिली यहाँ पे रख पाएंगे। इसमें ग्लास लगा के यहाँ पे दिए गए हैं अंदर की तरफ। ठीक ड्राइंग के इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको किचन का स्पेस मिलने वाला है, बट यहाँ बाहर की तरफ आप देख पा रहे होंगे प्यारी सी यहाँ पे वुडन की डिज़ाइन यहाँ पे करके दी गई है, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत इसका लुक यहाँ पे बनाने वाली है। आपको मिल जाता है एक मॉड्यूलर किचन जिसमें एल शेप यहाँ पे दिया गया है, ग्रेनाइट का टॉप है और टाइल्स का वर्क काफ़ी हाइट तक दिया गया है। इसका फ़ायदा ये हो जाता है जब भी आप खाना बनाते हैं ऑयल वगैरह की छींटे लगे तो इजी है वो वॉशेबल यहाँ पे हो पाएंगे। चिमनी वगैरह आप देख पा रहे हैं, दोनों तरफ आपको विंडो यहाँ मिल जाती है। एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपको गैस की लाइन जो है वो भी फिटिंग यहाँ पे बाहर की तरफ से आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके दी गई है। पास में लाके एक बार दिखाइए कैमरामैन जी, ये जो रेक्स वगैरह है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे बना के दी गई है। अब देखते हैं इस तरफ, तो यहाँ पे आपको एक स्पेस बड़े से बड़ा आप इजीली आप फ्रीज अपना जो है इंस्टॉल यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ एक अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अंदर से कुछ इस तरीके से लुक आपको किचन का दिखाई देने वाला है। थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, लैंप्स की डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिलती है। अब आ जाइए इसके रूम की तरफ बढ़ेंगे हम, बट रूम की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ आर्टिफिशियल डिज़ाइन तैयार की गई है, जो कि वुडन का यहाँ पे काम करके दिया गया है। और यहाँ देखेंगे हैंड वॉश के लिए प्रोविज़न दिया गया, जो कि काफ़ी खूबसूरत इसको बनाया गया है। यहाँ पे मिरर वगैरह की डिज़ाइन जो आप देखेंगे काफ़ी अच्छी आपको दिखाई देने वाली है। ये देखिए झूमर की डिज़ाइन। अब यहाँ पर मिल जाता है आपको एक वॉशरूम। वॉशरूम देखिए, ये वॉशरूम दोनों यूजेबल है, यानी कि ये अटैच भी है और ये कॉमन भी यहाँ पे होने वाला है।
जिसमें टाइल्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारा है, वेंटिलेशन का पूरा परफेक्ट यहाँ पे ध्यान रखा गया है और काफ़ी स्पेसिस होने वाला वेस्टर्न सीट यहाँ पे लगा के दी गई है। अब आ जाते हैं इसके रूम में। रूम की अगर मैं बात करूँ साइज़ की, तो लगभग 14x12 के आसपास की बड़ी साइज़ का यहाँ पे रूम, किंग साइज़ का रूम यहाँ पे बना के दिया गया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको किंग साइज़ का बेड मिलता है। उसके बाद में भी दोनों तरफ काफ़ी अच्छा स्पेस है। पीछे की तरफ प्यारा सा यहाँ पे कुशन वर्क यहाँ पे करके दिया गया है। इस तरफ देखेंगे तो ये जो डोर आपको दिखाई दे रहा है, ये डोर आपको जैसे मैंने बताया कॉमन और अटैच, यानी यहाँ से अटैच वॉशरूम यहाँ पे होने वाला है। इस तरफ ड्रेसिंग का स्पेस दिया गया है और कबर्ड्स भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि आपकी ड्रेसिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी ये चीज़ यहाँ पे होने वाली है। कबर्ड्स भी ऊपर और नीचे दोनों तरफ यहाँ पे दी आपको मिल रही है। इस तरफ मिल जाता है पीछे के लिए आपको स्पेस, जो कि यहाँ से पीछे की तरफ स्पेस जाने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। और अगेन यहाँ पे एक टीवी पैनल का स्पेस दिया गया है, जो कि वुडन का काम करके दिया गया है। बड़े से बड़ा टीवी आप यहाँ पे भी इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे। एक चेयर और यहाँ पे कुछ बैठने के लिए, यानी आप चाहें कुछ स्टडी वगैरह या फिर कुछ ऑफिस का काम करना चाहें तो यहाँ पे आप बैठ के इसको भी यहाँ पे कर पाएंगे आप। इस तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ डिज़ाइनर चीज़ें रखने के लिए आपको पूरा स्पेस यहाँ पे बना के दिया गया है, जिसमें कुछ भी आप यहाँ पे रख पाएंगे। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। अभी हमने नीचे वाला पोर्शन हमने कवर किया है। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी शानदार सी प्रॉपर्टीज़ की वीडियो आपके लिए मसाला आते रहते हैं। स्टेट्स का लुक जो है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। जैसे ही यहाँ पे स्टेट्स पे हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ वुडन की डिज़ाइन में यहाँ पे मिरर लगा के आपको दिया गया है, क्योंकि काफ़ी अच्छा लुक ये देने वाला है। टफन ग्लास के साथ वुडन का यहाँ पे काम किया गया है। और देखिए, ये डिज़ाइन एक बार दिखाते हुए लिखे आइएगा, प्यारी प्यारी सी डिज़ाइन से आपको यहाँ पे दी गई है बना के। इस तरफ भी देखते हैं कि यहाँ पे आपको एक जो है अगेन आपको लिविंग एरिया का स्पेस आपको मिल जाता है। इसमें इस तरफ देखेंगे तो वुडन का प्यारा सा वर्क, लैंप्स की डिज़ाइन, साथ साथ में सीनरी की डिज़ाइन और वॉलपेपर का काम करके आपको दिया गया है। ऊपर की तरफ यहाँ पे भी प्यारी सी फॉल सीलिंग और दो फैंस आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। फिर जो पीछे की तरफ बेडरूम है वो हम देख लेते हैं। बेडरूम साइज़ वही होने वाली है, लगभग 14x12 के आसपास की बेडरूम साइज़ यहाँ पे होने वाली है। किंग साइज़ का यहाँ पे बेड लगा के आपको दिया गया है, जिसमें यहाँ पे बेड लगने के बाद में भी आप देखेंगे दोनों तरफ काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। पीछे देखिए वुडन का पूरा ही डिज़ाइन करके आपको यहाँ पे दिया गया है, कुशन का वर्क आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इस तरफ देखेंगे तो अगेन आपको ड्रेसिंग का स्पेस आपको मिलता है। इसमें मिरर के पीछे भी आपको यहाँ पे जगह दी गई है, इसमें आप अपना कुछ भी क्रीम वगैरह पाउडर वगैरह रखना चाहें रख पाएंगे। और कबर्ड्स का स्पेस इस तरफ आपको बना के दिया गया है। पीछे की तरफ यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है, जाल लगा के इसको कवर किया गया है। और ये आ जाता है अगेन आपका टीवी पैनल का स्पेस, यहाँ पे भी आपको स्पेस मिलता है, जिसमें कुछ रखना चाहें आप डिज़ाइनर चीज़ें या फिर और कुछ तो आप इजीली यहाँ पे रख पाएंगे। बात करें यहाँ पे अटैच वॉशरूम की, तो अटैच वॉशरूम आपको इस तरफ मिलता है, काफ़ी स्पेसियस है और डिज़ाइनर है, टाइल्स वगैरह का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे इस रूम में देखिए फुल सीलिंग की डिज़ाइन यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी है। एसी फिटिंग्स तो आपको हर जगह जहाँ जहाँ नीड है एसी फिटिंग आपको लगा के दी गई है। इसका ये एक बेडरूम होने वाला है। इस बेडरूम में हम जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ कवर्स का स्पेस फुली डबल कवर्स आपको यहाँ पे दी गई है, काफ़ी अच्छी है होने वाली है, स्पेसियस ही होने वाली है। एक छोटी चेयर यहाँ पे भी आपको दी गई है और टीवी पैनल का बड़ा सा स्पेस अगेन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि पूरा वुडन का काम किया गया है। लंबा चौड़ा टीवी पैनल का स्पेस यहाँ पे बना के दिया गया है। रूम की साइज़ की बात करूँ मैं तो लगभग 14x14 के आसपास की बड़ी साइज़ में रूम दिया गया है। इस रूम में भी आपको किंग साइज़ का बेड मिल जाता है और पीछे प्यारी सी डिज़ाइन का वर्क यहाँ पे किया गया है। उस तरफ देखेंगे ड्रेसिंग का स्पेस भी आपको मिलता है और फॉल सीलिंग की डिज़ाइन भी एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पे एक स्पेस और निकाला गया है इसमें, जिसमें जैसे मैंने बताया जो चेयर दी गई है वो ये लगा के आप अपना कुछ वर्क करना चाहें वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। ऊपर की तरफ भी वुडन का यहाँ पे काम करके दिया गया है। देखिए, प्यारे प्यारे से लैंप्स आपको इस तरफ मिल जाते हैं इसमें। और ये आ जाता है इसकी बालकनी का स्पेस, जो कि कुछ इस तरीके से होने वाला है। ये देखिए वुडन टाइल्स का वर्क आपको बालकनी में मिलता है, टफन ग्लास के साथ एसएस की रेलिंग आपको यहाँ पे करके दी गई है। यहाँ पे भी लाइटिंग वर्क किया गया है, शाम के टाइम पे आप टी कॉफ़ी यहाँ पे इन्जॉय करें तो काफ़ी प्यारा और काफ़ी अच्छा आपको फील यहाँ पे होने वाला है। अभी सबसे खूबसूरत पार्ट की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, वो क्या कुछ होने वाला है वो भी बताएंगे। एक बार स्टेट्स का लुक दिखाते हुए साथ साथ में जो रेलिंग है टफन ग्लास के साथ वुडन की, वो भी एक बार दिखाते हुए लेके आइए। फुट लैंप आपको जो है स्टेयर्स पे आपको हर जगह मिल जाते हैं और यहाँ पे भी लैंप्स लगा के यहाँ पे भी एक डिज़ाइन इसको बनाया गया है डिज़ाइनर।
अगेन एक स्पेस और ही आपको मिलता है, लेकिन इस स्पेस में शाम के टाइम क्या खूबसूरत नज़ारा आपको मिलने वाला है, जो कि ये झूमर देने वाला है नीचे तक का पूरा ही नज़ारा। इस तरफ यहाँ पे आपके लिए एक शानदार सा मिनी थिएटर हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, जो कि देखिए यहाँ पे बैठने के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। इसमें यहाँ पे आपका प्रोजेक्टर वगैरह लगा के दिया गया है, जो कि सामने की वॉल पे, इस तरफ आके दिखाइए, इस वॉल पे आपको दिखाई देने वाला है, जिसमें आपने मूवी वगैरह कुछ इन्जॉय करना चाहें तो वो कर पाएंगे। ऊपर की तरफ यहाँ पे फॉल सीलिंग की डिज़ाइन भी मिलती है, और एक वॉशरूम भी हमने यहाँ पे दिया है, जो कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। सामने की तरफ मैंने जैसे बताया 20 मीटर मात्र दूरी पे आपको जो है यहाँ पे मिलता है, जो अजमेर दिल्ली बाईपास है वो यहाँ मात्र 20 मीटर की दूरी पे आपको मिलता है। अब हम देख लेते हैं इसकी जो छत है वो कैसे क्या कुछ होने वाली है। आइए देखिए, 108 वर्ग गज के अंदर ये बना हुआ है, 15x65 इसकी डायमेंशन होने वाली है, और ये मुरलीपुरा स्कीम में होने वाला है। यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल ग्रास लगा के इसको भी काफ़ी खूबसूरती यहाँ पे बनाया गया है। ऊपर जाने के लिए यहाँ पे आयरन की स्टेयर्स आपको दी गई है, और सामने भी टफन ग्लास के साथ यहाँ पे पैरासा वर्क किया गया है। यहाँ पे लैंप्स लगाए गए हैं, जो कि शाम के टाइम पे काफ़ी अच्छा लुक ये देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो देखा 108 वर्ग गज के अंदर बना हुआ ये शानदार सा कोठी, शानदार सा विला, इसकी प्राइस होने वाली है 1,40,00,000 रुपये। मेन लोकेशन के विला यहाँ पे होने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैं जानकारी दे दूंगा, और नंबर आपको स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ जाके आप कॉल कर पाएंगे, अधिक जानकारी वहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे। अंत में दोबारा कहूँगा, चैनल पर नए हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। लेकिन एक और चीज़, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर आपको बताना, और कहाँ से आप लोग हमें देख रहे हैं वो भी कमेंट करके आपको बताना है, और किस लिए देख रहे हैं वो भी कमेंट करके आपको बताना है। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।